हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका टिप्स में। देखिए, आज मैं 2 या 2.5 महीने के बाद वीडियो बनाने बैठी हूं। अब जब ये अपलोड होगा तब आपके सामने ये वीडियो आएगा, क्योंकि पीछे मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, जिससे रिकवर होने में हमें बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है भाई, ये तो आप सबको ही पता है। और पूरी फैमिली को हो जाता है तो क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। और उसके बाद मैंने अपना घर शिफ्ट किया था, तो इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने आज से अपना काम करना स्टार्ट किया है और भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं रेगुलर काम कर पाऊँ, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो मुझे फेस ना करनी पड़े, क्योंकि पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर ली भैया, अब हिम्मत नहीं बची कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो परचेज़ कर लिए थे, लेकिन उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक शीट मास्क का रिव्यू। देखिए क्या है ना, गर्मियाँ आ गई हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, स्वेटिंग होती है, तो हम किसी ऐसे चीज़ के तलाश करते हैं कि भाई फटाफट से उसको अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद भी अपना काम करते रहें और जो हमने फेस पैक या शीट मास्क जो अप्लाई किया है वो अपना काम करता रहे और हम एकदम निखरी निखरी सी हमारी स्किन हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो उसी का रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। देखिए, आज मैं आपके साथ जिस शीट मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है गार्नियर का, गार्नियर स्किन नेचुरल सिरम मास्क सकुरा वाइट। देखिए, इसमें और भी अलग अलग तरह के शीट मास्क आते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको परचेज किया था। इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज कर लिया था, ऑनलाइन भी ये मिल जाता है, अगर कहीं पर भी अवेलेबल होगा तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस पर लिखा हुआ है पिंकिश ग्लो हाइड्रेशन। देखिए पीछे क्या हुआ था ना, जब मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था तो मैं कोई भी अपना ध्यान नहीं रख पाई थी, मुझे भी कोविड हो गया था, लेकिन सबका ध्यान रखने के चक्कर में अपना ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। तो थोड़ा बहुत तो मुझे इसके लिए उपाय करने ही थे, तो मैंने ये शीट मास्क खरीदा था। आज मैं आपके सामने इसका डेमो भी करके दिखाऊंगी। 2 खरीदे थे जिसमें से मैंने 1 यूज़ कर लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। अब मैं आपके सामने दूसरा भी आज यूज़ करके दिखा दूंगी। तो पिंकिश ग्लो लिखा हुआ था, हाइड्रेशन लिखा हुआ था, मेरी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, पीछे मैंने अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैंने ये वाला जो शीट मास्क है वो परचेज किया था। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसकी पैकिंग के बारे में। जैसे भी नॉर्मल शीट मास्क आते हैं उन्हीं की तरह इनकी पैकिंग है, जिसपे लिखा हुआ है गार्नियर स्किन नेचुरल सिरम मास्क सकुरा वाइट पिंकिश ग्लो हाइड्रेशन। सबसे अच्छी बात है कि पिंकिश ग्लो, ये आपको पिंकिश ग्लो देता है। आगे डेमो में आपको पता चल जाएगा कि पिंकिश ग्लो आता है या नहीं। आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, 15 मिनट्स आपको रखना है इसको। इसमें लिखा हुआ है सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन, या अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 99 रुपीज़ प्राइस लिखा हुआ है, बट ऑनलाइन जो है बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पर्पल भी है और फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, सब पर मिल जाते हैं, तो कई बार ऑफर आते रहते हैं, तो आपको ये सस्ते में भी मिल सकता है। इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है वो दे रखी है 28 ग्राम, और जो इसकी शेल्फ लाइफ दे रखी है वो है 3 ईयर्स की, यानी कि मार्च 20 से मार्च 23 तक इसकी शेल्फ लाइफ है। तो शेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छी दे रखी है 3 ईयर्स की। ठीक है, आगे इसमें इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, इसमें इसको यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट्स आपको इसको रखना है, और उसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसको वॉश करना है, बट इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कॉटन के पैड से आप जो सीरम आपके फेस पर रह जाता है उसको आप वाइप कर सकते हैं। तो आगे हम इसका डेमो देखेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं रिजल्ट की ओर और डेमो की तरफ, क्योंकि जब तक डेमो नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं डेमो की तरफ। देखिए, इस शीट मास्क को अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है किसी भी फेस वॉश से अच्छी तरह, ताकि जितनी भी डर्ट वगैरह हमारे फेस पर है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। ये जो शीट मास्क है वो पूरी तरीके से लबालब जो है वो सीरम से भरा हुआ है, और ये फोल्ड होता है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको ओपन करना है ताकि ये फट ना जाए, और जो इसके कटआउट हैं आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है इसको, और इस तरीके से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। देखिए, इसमें सीरम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आपके हैंड पर भी इसको अप्लाई करते समय बहुत सारा सीरम आ जाता है, जिसे हम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने हैंड पर उसको लगा लेंगे और हल्की सी मसाज कर लेंगे। इसका जो पैकेट होता है उसमें भी बहुत सारा सीरम रहता है, तो मैं उसमें से भी सीरम निकाल लेती हूँ और अपने हैंड पर थोड़ा सा अप्लाई करके उसको मसाज कर लेती हूँ। देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि 15 मिनट्स तक आपको इसको रखना है, तो हम 15 मिनट्स तक अपने छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर 15 मिनट्स।
15 मिनट्स बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। 15 मिनट्स हो चुके हैं और जो ये शीट मार्क्स हैं इसमें अब भी सीरम बहुत सारा बाकी है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे और आपको जो रिज़ल्ट है वो विजिबल देखने को मिल रहा होगा। मतलब मैं थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा देती हूँ, अगर पीछे से आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो जो है वो मेरे फेस पर आ गया है, पिंकिश ग्लो आ गया है, फेस जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, हाइड्रेट कर दिया है इसने मेरे फेस को। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कॉटन पैड से आपको रिमूव कर लेना है, तो मैंने थोड़ी सी कॉटन ली है और उसको रिमूव कर लिया है। फेस जो है, स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। सो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू सून।